हाय हेलो वेलकम टू ईगल स्पोर्ट्स। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया थर्ड ओडीआई रांची में होने वाला है। रांची का विकेट के बारे में अगर बात किया जाए तो ये ड्राई नहीं रहेगा नागपुर की तरह, इसमें डिसेंट बाउंस है, डिसेंट पेस के साथ आएगा बॉल पे, सो इसलिए ऑन द अप शॉट्स मार सकते हैं, पिकअप शॉट्स मार सकते हैं, आराम से खेल सकते हैं, बाउंस को ट्रस्ट करके शॉट्स मार सकते हैं। और रांची विकेट में एक ऐसा स्लोप भी है, वो स्लोप भी थोड़ा बैट्समैन के फेवर में जा सकता है अगर ठीक से खेला जाए तो इस विकेट में ज़्यादातर अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो उनको थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। और यहाँ पे दो स्पिनर्स के बजाय एक पेसर को लाना पड़ेगा, इसका मतलब जैम्पा और लायन में एक को बाहर जाना पड़ेगा। ये कौन जाएगा? जैम्पा ने दो विकेट लिया लेकिन उन्होंने 60 रन दिया, थोड़ा एक्सपेंसिव रहे ओडीआई फॉर्मेट के मुताबिक, लेकिन वो लेग स्पिनर है और डिसेंट बाउंस में अगर लेग स्पिन आएगा तो बहुत अच्छा रहेगा टीम के लिए। और मैक्सवेल के रूप में एक ऑफ स्पिनर भी है, अगर जरूरत पड़े तो मैक्सवेल के सर्विसेज भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसका मतलब लायन और लायन का एक्सपीरियंस जो है शायद ऑस्ट्रेलिया उसको कंसिडर करेगा उनको बाहर भेजने के लिए। अगर वो चाहेंगे कि एक्सपीरियंस चाहिए, ये मैच को उन्हें जीतना ही चाहिए क्योंकि ये थर्ड मैच है, ये मैच हार जाएंगे तो 3-0 हो जाएगा, इंडिया सीरीज जीत जाएगा। अगर इसमें उनको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है तो वो नीदरलैंड के साथ स्टिक ऑन करेंगे। तो ये एक मसला है ऑस्ट्रेलिया के लिए, किसको सेलेक्ट करेंगे और किसको बाहर भेजेंगे। अगर एक तो बाहर जाएगा वो निश्चित रूप है, तो अगर एक बाहर जाएगा तो कौन सा पेसर आएगा? पैट कमिंस ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की और उनकी टीम में अगर देखा जाए तो बेरनडॉफ है, जाय रिचर्डसन ने एंच उठाई है, और इनमें से कौन आएगा, इनमें से कौन आएगा, कौन सा परफेक्ट रहेगा कॉम्बिनेशन के लिए, ये एक देखना ज़रूरी है। और तीन पेसर्स तो रहेंगे ही, और यहाँ पे कमिंस भी है, कमिंस तो डालेंगे, पिक ऑफ द बॉलर्स रहे हैं, और मार्कस स्टॉइनिस भी अच्छे बॉलिंग डाल रहे हैं, ज़रूरत पड़े तो मैक्सवेल भी ऑफ स्पिन डालेंगे। तो इनका मतलब इनके पास ऑप्शन है, सही ऑप्शन को बाहर से इनको सेलेक्ट करना पड़ेगा। वो सेलेक्ट करेंगे, किसके ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे ये देखना मांगता है। अगर देखा जाए तो बैटिंग लाइनअप में देखा जाए तो उनका जो मिडिल ऑर्डर है वो थोड़ा स्पिन के खिलाफ थोड़ा कमज़ोर है। अगर आप हैंड्सकॉम को उस टीम से हटा देंगे मिडिल ऑर्डर में से, स्टॉइनिस भी थोड़ा स्ट्रगल किया कुलदीप यादव को खेलने के लिए, एलेक्स कैरी स्ट्रगल किया कुलदीप यादव को खेलने के लिए, मैक्सवेल थोड़ा बहुत इधर उधर हो गए थे कुलदीप यादव को खेलने के लिए, वो हालांकि एक एबरेशन हो सकता है मैक्सवेल को अगर साइड में रखेंगे तो। एरन फिंच हमेशा कुलदीप यादव के बने रहे हैं, तो उस्मान ख्वाजा भी थोड़ा इधर उधर हो रहे हैं, तो इसका मतलब उनको एक अच्छा सा एक सॉलिड मिडिल ऑर्डर चाहिए जो स्पिन को भी आराम से खेल सके। और शॉन मार्श को लाया था उन्होंने सेकंड मैच में, हालांकि एक अच्छा डिसीजन था वो, लेकिन वो पे ऑफ नहीं हुआ। तो ऑस्ट्रेलिया को एक रिस्क यहाँ पे लेना पड़ेगा और उनको अपने मिडिल ऑर्डर को मजबूत करना है। तो एलेक्स कैरी के बजाय अगर ये जाके कहेंगे कि हैंड्सकॉम भाई तुम जाके विकेट कीपिंग करो, अगर ये रिस्क ऑस्ट्रेलिया लेगा तो इसका मतलब हैंड्सकॉम को कीपिंग करना पड़ेगा और कैरी के बजाय डार्सी शॉट आ सकते हैं टीम। अगर डार्सी शॉट आ गए तो डार्सी और एरन फिंच ओपन करेंगे, वन डाउन ख्वाजा आएंगे, टू डाउन मैक्सवेल आएंगे, थ्री डाउन मार्श आएंगे, ऐसे एक अच्छा बैटिंग ऑर्डर बन सकता है। डार्सी शॉट हालांकि अच्छे फॉर्म में भी है, T20 में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन दिखाया था, तो शायद डार्सी शॉट अगर आ जाएंगे यहाँ पे तो वो स्टार्टिंग में जो ओपनर की जो पार्टनरशिप होती है जो हालांकि बहुत अच्छा था सेकंड मैच में, वो कंटिन्यू नहीं हो पाया। स्टॉइनिस को अगर देखें जाएगा तो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है स्टॉइनिस का, उन्होंने अंत तक रहा, वो कहीं पे भी फुली शॉट्स नहीं मारे, आराम से रुके, बुमराह को सी ऑफ किए, कुलदीप यादव को पहले दो ओवर सी ऑफ किए, उसके बाद मारे, उसके बाद अटैक किए, बॉलर्स को पिक किए, शॉट्स को पिक किए। अगर ऐसा कोई टॉप ऑर्डर बैट्समैन कर सकता है तो ऑस्ट्रेलिया के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, और ये नहीं हुआ इसलिए इंडिया मैच जीतता है। फ्लिप साइड अगर इंडिया को देखा जाए तो इंडिया की टीम में कोई भी चेंज की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अगर मोहम्मद शमी को रेस्ट देना है और वो चाहते हैं कि थोड़ा बहुत वो रेस्ट करें तो मोहम्मद शमी बाहर जाएंगे और भुवनेश्वर कुमार जो कि आगे टीम में वो अंदर आ जाएंगे। और जैसे कि कोहली अपनी टीम के हिसाब से जा रहे हैं, यहाँ पर भी वो कुलदीप यादव के साथ ही परसिस्ट करेंगे। अगर उनको लगा कि मेरे को रिस्क लेना है, मैं चहल को खिलाऊंगा, देखूंगा क्या होगा, तब चहल आएंगे, वरना कुलदीप यादव ही रहेंगे इस मैच में भी। अगर इंडिया की टीम में कोई भी कुछ प्रॉब्लम है वो रोहित शर्मा, शिखर धवन, अंबटी रायडू के फॉर्म को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम है। रोहित शर्मा 8 इनिंग्स हो गए, कोई 50 नहीं मारा उन्होंने, एक ही 50 था 8 इनिंग्स में। शिखर धवन इंडिया में बहुत ही डल पीरियड रहा उनके लिए। अंबटी रायडू हालांकि न्यूजीलैंड में अच्छे खेले लेकिन दो मैच में उनका प्रदर्शन काफ़ी वीक रहा है। तो अंबटी रायडू का एक ऑकवर्ड सिचुएशन है, अगर एक मैच आप नहीं खेलोगे तो सारी उंगलियाँ आपकी तरफ है, तो उनको खेलना पड़ेगा, उनको अपना कॉन्फिडेंस रिगेन करना पड़ेगा। रोहित शर्मा और शिखर धवन को एंकर रोल करना पड़ेगा, उनको अच्छा खेलना पड़ेगा। अगर वो टिक जाएंगे तो इंडिया के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, सारे चेक बॉक्सेस में टिक मार्क रह जाएगा। बस ये रहेगा कि बॉलिंग कॉम्बिनेशन किसको सेलेक्ट किया जाए वो पिच के मुताबिक और टीम के अगेंस्ट वहाँ पर वर्ल्ड कप में देखा जा सकता है, उसकी कोई परवाह नहीं करना चाहिए। मिडिल ऑर्डर में देखा जाए तो केदार को एक अच्छा मौका मिला था मैच फिनिश करने के लिए, विजय शंकर को एक अच्छा मौका मिला था अच्छी बारी खेलने के लिए, धोनी भी अच्छी बारी खेल चुके हैं। तो अगर हमारा फोकस जो हमेशा डेप्थ ऑफ द मिडिल ऑर्डर में रहता है, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई प्लेयर थोड़ा चीपली आउट हो जाता है, तो इसमें ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ी मिडिल ऑर्डर खेल चुका है, हाँ कंसिस्टेंसी की थोड़ा बात है, वो अगर कंसिस्टेंसी अगर विजय शंकर, केदार जाता और धोनी ला देंगे टीम में, धोनी हालांकि कंसिस्टेंट रहे हैं इस साल में,
और केदार जाधव भी थोड़ा अगर कंसिस्टेंसी ला देंगे और विजय शंकर अपना ये फॉर्म को बरकरार रखेंगे तो इंडिया के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। बस ओपनर और रायडू थोड़ा टिक जाए, इंडिया के लिए सब समस्याएं जो भी है सबका हल मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पर टॉस जीतेंगे, फील्डिंग करेंगे, बैटिंग करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, ड्यू का इफेक्ट जो है बहुत कम रहेगा। तो यहाँ पर टॉस जीत के शायद आर एन फिंच अगर जीतेंगे इस बार, हालांकि दो लास्ट टॉस वो जीते हैं, अगर इस बार वो जीतेंगे तो वो चाहेंगे कि पहले बल्लेबाजी करें, थोड़ा टारगेट सेट करें, थोड़ा अच्छे से खेले, फिर उसके बाद स्पिनर्स के रूप में या फिर फास्ट बॉलर्स के रूप में थोड़ा दबाव डाले इंडियन मिडिल ऑर्डर में और टॉप ऑर्डर में। इंडिया को दे विल डेफिनेटली वॉन्ट टू चेज, उनको चेज करना बहुत काफ़ी पसंद है तो वो चेज करना चाहेंगे और दे वॉन्ट टू गिव विजय शंकर को और मौका देना चाहेंगे। भाई तुम दो तीन ओवर एक्सपेंसिव हो तब भी चले गए, लेकिन तुम 6-7 ओवर तो डालो हमारे लिए। तुमने लास्ट मैच में एक अच्छी गेंदबाजी डाली, हमको विक्ट्री जिताई, इस मैच में अच्छा बॉलिंग डालो करके एक कॉन्फिडेंस विजय शंकर को उनको देना पड़ेगा। तो अगर फेवरेट्स देखा जाए तो इंडिया इज हेवीली फेवरेट। ऑस्ट्रेलिया को मूव्स करने पड़ेंगे, उनको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, उनको जीतना पड़ेगा। अगर वो कुछ इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो सीरीज तो इंडिया के हाथ में चला गया। आप क्या सोच रहे हैं कमेंट ग्रुप में बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टेलुगु स्पोर्ट्स। थैंक यू।